चैनल द यूनिक रीडर। तो गाइज हम लोग आज खेलने जा रहे हैं ब्रेन टेस्ट। तो गाइज मैं भी सारे आंसर दूंगा, अगर आप लोग को सारे कमेंट करेगा बिना वीडियो को स्किप किए, बिना वीडियो को स्किप किए आप लोग आंसर कर दीजिएगा, जिससे मैं जानूँ किसको किसको आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर जरूर दीजिए। हाँ तो गाइज यहाँ पे हम लोग को एलिफेंट को फ्रिज में डालना है, इतने ईजी काम है, हम लोग को बस ये फ्रिज खोलना होगा। कैसे खुलता है फ्रिज? हाँ, और इसके अंदर से एलिफेंट को डालना होगा। ये कंप्लीट हो गया। तो गाइज पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये तो सब। तो गाइज वो तो हो गया, हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो गाइज दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिज्जा स्लाइसेस डू वी हैव? 1 2 3 4 5। तो गाइज यहाँ पे 5 है क्या? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो 6 होंगे, 10 तो कितने हैं गाइज? इसको कमेंट करिए, वाला आंसर मुझको आ नहीं रहा है। क्यों ना हम लोग 0 ट्राई करें। थ्री फोर फाइव तो था नहीं, 11 12 13 14 15 16 17, 20 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो मेरे ख्याल से मुझे ये वाला बटन दबाना चाहिए। तो गाइज मैं दबाता हूँ ये वाला बटन और ये स्किप हो गया। ठीक है, तो गाइस हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। आई ओवरटेक द सेकंड प्लेस रेसर, व्हाट इज माय पोजीशन? अगर तुम सेकंड खड़े मतलब तुम थर्ड पे हो गए, थर्ड पे हुए तो मतलब तुम सेकंड पे आओगे, तो मतलब तुम हो सेकंड। तो गाइस वो वाला कंप्लीट हो गया, इसको लेफ्ट स्लाइड करना है वो भी मैंने कर दिया है। ये बहुत ईजी है, ये सब काम बहुत ईजी होते हैं, तो ये सब 2 सेकंड में कम्प्लीट। तो अगला है फीड द कैट प्लीज़। ओ हाँ ठीक है ठीक है, ही इज हंग्री। ओ ये भूखी है, तो हम लोग को खिलाएं कैसे? ओ बहुत ईजी है, इसको हटाना होगा ना, अगर ऐसा नहीं होता इसको उठाना होगा। ये तो हिल ही नहीं रहा, बिस्किट नहीं। अच्छा बिल्ली को उठाना होगा, बिल्ली को उठाया तो बिल्ली तो उठ ही नहीं रही है। बिस्किट को कुछ करना होगा, क्या करें? इसको आगे फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ होना चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? जाओ नीचे जाओ, उस कैट को खिलाओ, कैट को बिस्किट खिलाओ। इस कैट को बिस्किट खिलाना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझको। गाइस आप लोग को आ रहा हो तो बिना स्किप किए नीचे कमेंट में आंसर बता दीजिए, कुछ तो करना। ओ ये क्या था? ये हम लोग जीते कैसे? वर्ड कैट इज ऑल्सो क्या? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सही बात है, ये मजाक थोड़ी ना हो रहा है। वेयर इज द ग्रीन बॉल? ग्रीन बॉल ये साथ पेज पलटना। ओ ये क्या हुआ? अच्छा मैंने इन दोनों को मिक्स किया, वो ग्रीन। तो गाइस हम लोग को अब ढूंढ के इस पिक्चर में क्या गलत है, इस पिक्चर में क्या गलत लग रहा है, इस पिक्चर में क्या ये हेलोवीन वाला गलत है? नहीं। क्या ये आसमान में हो रहा है वो गलत है? नहीं ये भी नहीं गलत है। तो क्या गलत होगा? ऐप स्क्रीन पे क्लिक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही। तो अगर आप लोग को पता है क्या गलत है तो अभी कमेंट करिए, अब मैं हर तरफ क्लिक करता रहता हूँ, कोई ना कोई तो सही होगा ही। वैसे कोई मिल तो नहीं रहा है, मैं सब हर जगह क्लिक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल जाए, कुछ गलत होगा। क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है? ये भी गलत नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। हम लोग करेंगे, हम लोग का रिकॉर्डर गलत है या फिर यही क्वेश्चन ही गलत है? नहीं इस पर भी, ये भी। एक सेकेंड क्या हुआ, ये सही कैसे हो गया? अच्छा इसके हाथ में कुछ था, ही हैज 6 फिंगर्स। एक सेकेंड उसकी फ़ोटो देखते हैं। हाँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ इसके पास 6 फिंगर्स थे। अगर आप लोग को ये पता है तो कमेंट करिए। विच वन इज़ लॉन्गेस्ट? मार्च और मई में दोनों में 31 डेज होते हैं, फेबररी में 28 होते हैं, लेकिन विच इज़ लॉन्गेस्ट मेरे ख्याल से स्पेलिंग से मतलब होगा, तो हम लोग फेबररी करते हैं, क्लिक कर देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने एकदम सही बता दिया है, वैसे ये पता नहीं कैसे हो गया सही, लेकिन सही है। हाँ ठीक है मुझे पता है। कैच 5 फॉलिंग एप्पल्स हैं, बस 5 तो पकड़ने हैं। ये क्या 6 कैसे हो गए? अच्छा 5 हो गए, ठीक है। उसको 8, ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते कैसे जा रहे हैं? तो गाइस अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि ये बढ़ कैसे रहे हैं, और आप लोगों का अगर इसका आंसर पता तो आप लोग भी इसको कमेंट में बता दीजिएगा। ओ अब मैं समझा, सिर्फ ऊपर से जो नीचे गिर रहे हैं उन्हीं को पकड़ना है, वरना हम लोग का 1+ हो जाएगा। तो गाइस हम लोग को सिर्फ ऊपर से गिरने वाले को पकड़ना होगा, वरना हम लोग का प्लस होता रहेगा। ठीक है तो हम लोग इसको ऊपर वाले गिरने वाले को पकड़ते हैं जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। ओहो एक नीचे वाले को पकड़ लिया, 12 हो गए। अरे ऊपर से आ ही नहीं रहे हैं आप, ये तो चीटिंग है। 11 हो गए, ओके अब 10 हो गए, ओके अब 9,
इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब आगे का देखते हैं। अब 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हुए, 3 हुए, ओके 2। नहीं इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, 1 और इसको नहीं छूना, इसको भी नहीं, हो गया। तो गाइस मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लिया, अगर आप लोग से कम टाइम में किए होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा। ओह इसको भी नहीं पता वो एप्पल फ्लाई कैसे कर रहे हैं। टॉम मस्ट जंप टू द अदर साइड, इसको कूदाते रहते हैं, एक बार जंप कर दे, कूदो टॉम। ये टॉम बस से कूद के नहीं पा रहा, ये टॉम को कूदने आता है क्या? जंप का ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, से कुछ मैं ला भी नहीं सकता कि यहाँ पे इसको हटा दूँ फिर टॉम जंप करके पहुँच जाए। ये टॉम ही बेकार है। टॉम कूदो, मैं जंप का बटन दो बार क्लिक करूँ क्या या फिर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं है। टॉम गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, टॉम पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ तो करना होगा। टॉम ऐसे जंप नहीं कर पा रहा है, एक घंटा टॉम जंप ही करता रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा ही। जब मैं जंप पर क्लिक करता रहता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ सटाने की, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है। टॉम को जंप कराते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। चलो पेड़ यहाँ से गिरा सकते हैं क्या? हम लोग यहाँ से पेड़ गिरा सकते हैं? नहीं गिरा सकते। ओह अच्छा मशरूम फैला सकते हैं क्या? मशरूम, ओह अच्छा मशरूम खाने से बड़ा हो गया, काफ़ी अजीब फैक्ट है, लेकिन ये बड़ा हो गया और हम लोग हो गए सुपर टॉम। गाइस ये सुपरमैन टॉम, टर्न ऑफ इट्स टू डेंजरस। हाँ तो हम लोग को काटना है? नहीं, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये क्या हुआ, जस्ट दैट इजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या ये। 4 + 5 × 5 − 2, ठीक है तो हम लोग को अपना मैथ्स का दिमाग लगाना होगा। ठीक है, ओके 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 ओके। मेरे ख्याल से नॉर्मल तो नहीं होगा अगर हम लोग 4 को 5 से प्लस कर दें और 5 को 2 से माइनस कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर लिखे 27। तो क्या है सर? ओ यस, तो गाइस हम लोगों ने इसको सही कर दिया है बिना किसी गलती के, दिस इज़ बेसिक मैथ। ओ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैप देम इन ऑर्डर, ठीक है इसको याद करना होगा। 149, 85, ओ ये क्या कर दिया मैं, 149 था शायद, ये भी कौन सा था मैं भूल गया, 11 था शायद, नहीं नहीं 49 था ना। ओ अब क्लिक भी नहीं हो रहा, कुछ भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है तो इस बार हम लोग याद रखना 149, 85, 7, 11, 101। ठीक है 149, 5, 7, 11, 81, ओ 7 के बाद 11 है। ठीक है इस बार याद रहेगा, हम लोगों को करना है 149, 85, 7, 11, 101। सबमिट, यस। तो गाइज हम लोगों ने ये कर लिया है। अगर गाइज आप लोग मुझसे तेज किए होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नाइस मेमोरी यू हैव देयर, ओ थैंक यू। व्हाट इज द हिडन नंबर? भाई बहुत इजी है, पत्थर कटाएंगे हम लोग मिल जाएगा। ठीक है तो हिडन नंबर है 40, हम लोग को 40 पर क्लिक करना होगा और टिक करना होगा। ठीक है तो हम लोग का ये भी सही हो गया। ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रेन टेस्ट में तो बिल्कुल मेरा ब्रेन नहीं टेस्ट हुआ, बहुत इजी है ये। हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 डेज? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, सारे मंथ में 28 डेज होते हैं, मैं 12 लिखूंगा मैं। मतलब ये कोई क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन आए? ऑल ऑफ देम हैव एटलीस्ट 28 डेज, हाँ मुझे पता है। प्लीज सेव दिस बॉय, ओ ये थोड़ा खतरनाक है। क्या यहाँ पे कुछ है? इसको मुझे मारना है, मारने पर से कुछ हो तो नहीं है? पत्थर से मारूं? नहीं, इसको इसके हाथ में दे दूं, इसको भी इसके हाथ में दे दूं। ओ यहाँ पे हड्डी है क्या? वो वहाँ पे हड्डी है, मेरे ख्याल से हड्डी को इसको देना है, नहीं ले रहा है, इसके हाथ में देना होगा, नहीं इसके, ओ अच्छा हो गया। तो गाइस हम लोग को इस बच्चे को बचा लिया है, तो गाइस इस बच्चे को बचाने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, वी आर लाइफ सेवर। ठीक है तो गाइस अगर आप लोगों ने भी बचाया इस बच्चे को तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर बताइएगा आप लोग को ये आ रहा है तो। वेयर इज़ द ब्लैक शीप? ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, तुम कहाँ हो? तो खास मेरा ब्रेन टेस्ट वाला दिमाग कहता है अगर हम लोग ब्लैक लेटर को उठा के एक शीप पे दबा दें तो वो ब्लैक हो। ओ ये सच है,
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाला क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया है, देयर ही इज। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेगा, अगली वीडियो का वेट करिए, कमेंट में ज़रूर सारे आंसर्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।